हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे ZN20 सिरप के बारे में। दोस्तों, जो ZN20 है इसमें जिंक डाला गया है और यह स्पेशली बच्चों में यूज किया जाता है। जिन बच्चों को डायरिया या इम्यूनिटी कमजोर रहती है उसको दूर करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में ZN20 सिरप के बारे में, कौन कौन सी बीमारी में इसका यूज कर सकते हैं, क्या कंपोजिशन डाला गया है, कितने रुपए का आता है, कहां पर मिलेगा, पीने के बाद क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, जो ZN20 है इसको बनाता है वायलस नामक कंपनी और इसका 100 ml का सिरप आता है जिसकी प्राइस 140 रुपया है। उसके अलावा इसका सिरप जो है ड्रॉप में भी आता है, जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उसको ड्रॉप दिया जाता है, उससे जो बड़े बच्चे होते हैं उनको सिरप भी दे सकते हैं। अगर बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में तो इसमें सिंगल इंग्रेडिएंट डाला गया है, एक ही मेडिसिन डाली गई है जो कि है जिंक ग्लूकोनेट। ईच 5 ml कंटेन 20 mg ऑफ जिंक। जैसे 100 ml का है तो 5 ml जो है उसमें, हर 5 ml में 20 mg जिंक ग्लूकोनेट है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो जिंक हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कोविड में जिंक का टैबलेट देते थे ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है उसको मजबूत किया जाए। तो सबसे पहले इसका जो यूज है ये इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अगर आपकी या आपके बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर है तो उसको बीमारी बहुत जल्दी जल्दी होगी, सर्दी खांसी जुकाम बुखार बहुत होगा। अगर उसकी इम्यूनिटी मजबूत है तो ये जो सर्दी खांसी जुकाम है ये नहीं होगा। तो सबसे पहले इम्यूनिटी मजबूत करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो सीजनल बीमारियां होती हैं, उसको बार बार सर्दी हो जा रही है, बुखार आ जा रहा है, कमजोरी है, तो ये सब दूर हो जाएगी। उसके अलावा इसका जो दूसरा यूज है वो है डायरिया। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर प्रॉपर इम्यूनिटी नहीं होगी तो उनको डायरिया बहुत ज्यादा होती है, उनका पेट क्लियर नहीं रहेगा, उनको डायरिया डिसेंट्री बहुत ज्यादा होती है, तो उसको रोकने के लिए भी ZN20 सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो चीज है। इसके अलावा जो जिंक डाला गया है या ZN20 सिरप है हमारे शरीर के लिए या बच्चों के शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी, जैसे उसके हड्डी को भी मजबूती मिलेगी क्योंकि ये कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा करता है, बहुत अच्छा भी करता है। उसके साथ साथ उसका बोन मजबूत होगा, उसका ग्रोथ होगा, उसका जो एनर्जी है वो भी बहुत ज्यादा रहेगी। अब जान लेते हैं ZN20 के साइड इफेक्ट के बारे में। तो देखो, कुछ साइड इफेक्ट हैं जैसे इनडाइजेशन, उसके अलावा नौसिया ओमेटिंग बार बार उल्टी कर देगा, उसके साथ साथ पेट में दर्द भी हो सकता है, और भी उसको साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे पूरा बदन में इचिंग होने लगेगा। तो ये सब साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं ZN20 सिरप में। अब बात कर लेते हैं डोज की। तो देखो, इसका डोज कैसे लेना है ये डिपेंड्स रहता है बच्चे की उम्र और उसका वजन के ऊपर। अगर छोटा बच्चा है, 6 महीने से छोटा है, तो उसको ड्रॉप में देते हैं स्पेशली। लेकिन अगर 1 साल से लेके 2 साल 3 साल का बच्चा है तो उसको दिन में एक बार 2.5 ml 2.5 ml देते हैं, और ये देते हैं 14 दिन तक के लिए। 2 साल तक का बच्चा है तो उसको 14 दिन तक 2.5 ml देते हैं। अगर 2 साल से लेके 6 साल 8 साल 10 साल तक का है तो उसको 5 ml देते हैं दिन में एक बार 14 दिन तक के लिए। तो इस तरह से इसका डोज दिया जाता है। लेकिन बच्चे की बात है तो जब भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें इसके डोज के बारे में। हो सकता है उसका डिफरेंट डोज हो, कंडीशन के हिसाब से डोज बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। दोस्तों, अगर बात करें सेफ्टी की तो लगभग ये सेफ है बच्चों के लिए, लेकिन अपने से ना दें, अगर डोज ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो सेफ नहीं है अगर आप इसको अपने से दे रहे हैं। तो ये छोटे बच्चों के लिए होता है, बड़े अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनको शायद फायदा ना मिले क्योंकि बड़ों के लिए जिंक का टैबलेट आता है। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी ZN20 सिरप के बारे में। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।